गुड आफ्टरनून, हम लोग जा रहे हैं, आज क्या है वैसे, संडे है, दोपहर के 1 बज गए हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेटिव के घर में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जो मामा मामी, हाँ मामा मामी, उनके बेटे, तो उनकी फैमिली यहाँ रहती है। हम लोग पहली बार उनके घर पे जा रहे हैं। कूड़ा वाला आ गया है, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और माल्टे, नींबू ये भी ले लिए हैं घर के, क्योंकि हम लोग पहाड़ से आए हैं तो उनके लिए ले जाना तो बनता है। तो ये लेके जाएंगे थोड़े से, और रास्ते से कुछ और ले लेंगे, स्वीट्स वगैरह, क्योंकि एक्चुअली ना उनका नया घर बना हुआ था, तो उनके घर पे हम लोग जा नहीं पाए थे, उस टाइम पे हम घर चले गए थे, तो इसलिए आज जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वाओ, थैंक यू, प्लीज ड्राइव सेफली। ओके, ड्राइव सेफली। 2 बज गया है, हम लोग रास्ते में, वहाँ अभी ना, यहाँ हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो शाम तक ही वापस आएंगे हम लोग। और लंच हम लोग करके गए हैं, क्योंकि मुझे तो सादा सा ही खाना है, इसलिए हम लोग पहले से लंच करके जा रहे हैं। वहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह जो भी होगा कर लेंगे, और बस उनसे मिलना था। लास्ट वीक भी हमारा प्लान बना था, लेकिन तब तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से हम लोग गए नहीं, तो आज जा रहे हैं। और जब से हम लोग पिथौरागढ़ से आए हैं, तो मैं तो आज ही निकली हूँ घर से बाहर, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और संडे को आई थिंक देहरादून फिर से लॉकडाउन है, तो यहाँ पे देखो सारी शॉप्स, सारे शोरूम्स वगैरह बंद है। हम कहीं घूमने भी जाना चाहें तब भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें भैया भाभी के घर जाना है और वहां से सीधा घर वापस आना है। सड़कें भी खाली खाली से लग रही है ना, ट्रैफिक भी कम है आज, क्योंकि सारे शोरूम्स बंद है। क्या होता है, यहाँ से लिया था फर्नीचर। हमने फर्नीचर कहाँ से लिया था, दिखाओ। भारत फर्नीचर से लिया था हमने, यहाँ से, इसके यहाँ से हमने फर्नीचर लिया था। और ये देहरादून की सड़कें हैं, जो मैं 1 महीने के बाद देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन पिथौरागढ़ की याद आ रही है ना। अभी हम आपको पिथौरागढ़ भी दिखाएंगे हमारे देहरादून के ब्लॉक में। नैनीताल, अल्मोड़ा, ये हमारा पिथौरागढ़, छलिया बने हुए।
हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। चलो उतरे। और आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मंडे है आज और हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है करीबन 10:30 बजे का। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, नहा लिया है मैंने और घर की क्लीनिंग भी कर ली है, झाड़ू पोछा कर लिया था, इसलिए मॉर्निंग से मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे लास्ट में मेरा काम था, कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए थे तो कपड़े भी धुल चुके हैं। और आज बड़ी खिली खिली सी धूप है 2 दिन के बाद, तो यहाँ पे पीछे साइड बालकनी में धूप आ जाती है 10 बजे तक, तो यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी मैं सूखने के लिए, और ड्रायर में सुखा के कपड़े शाम तक सूख जाते हैं अच्छे से, और समर्स में तो 3-4 घंटे में ही सूख जाते हैं, तो इसलिए मोटे मोटे कपड़े आजकल ड्रायर में सुखाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनको सूखने में टाइम लगता है। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12:30 बज गए हैं और मेरे घर के सारे काम अभी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अब मुझे अपने लिए लंच बनाना है, तो लंच के लिए थोड़ा सा आटा बचा है, उसके अलावा और आटा गूंथना पड़ेगा, फिर साथ में मुझे सब्जी बनानी है। और सब्जी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। एक्चुअली हम लोग कल जहाँ पे गए थे ना, वो मेरे हस्बैंड के भैया भाभी लगते हैं, उनके मामा के लड़के हैं वो, तो उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, हम लोग मिलने के लिए गए थे उनसे, और वो लोग हल्द्वानी भी आए थे, उसके बाद से हम लोग मिल नहीं पाए थे, तो आज हम लोग कल गए थे उनके वहाँ मतलब, तो काफ़ी दूर है देहरादून से, तो काफ़ी टाइम लग गया, उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई, और वहाँ से आके हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो 7:30 बजे हम लोग वहाँ से पहुँचे। वहाँ से आके फिर कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं की मैंने, तो इसलिए डायरेक्टली आज मॉर्निंग का ही कंटिन्यू किया मैंने। और वहाँ भाभी लोगों ने ना सब्जी लगाई हुई है, तो उन्होंने सब्जी दी है, काफ़ी सारी सब्जी दी है, इसमें बहुत ही फ्रेश हरा धनिया है और मेथी दे रखी है उन्होंने, क्योंकि घर के बगीचे में उन्होंने सब्जियाँ लगाई हैं, प्याज वगैरह भी लगाया हुआ है आजकल, तो ये दिया है, मेथी की सब्जी बनाऊंगी मैं अभी। और उन्होंने मूली भी दी हुई है, घर की मूली है ये, इसको अभी मुझे वॉश करना है, काफ़ी सारी है, एक का मैंने सैलेड कट करके हस्बैंड को दे दिया, बाकी सब ऐसे रखी हुई हैं। इसके हम बनाएंगे गर्मा गर्म मूली के पराठे, 1-2 दिन में बनाऊंगी मैं। फिलहाल अभी तो मुझे मेथी छान के इसको वॉश करके फिर अपने लिए लंच बनाना है, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो इतना मेथी दिया है भाभी लोगों ने और काफ़ी फ्रेश है, पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ के, हमारे पहाड़ की जो मेथी होती है ना उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, इसके पत्ते काफ़ी बड़े हैं, तो ये मुझे छानना है, एकदम साफ सुथरी है। और ये है हरा धनिया, ये भी छानना है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है क्योंकि एक ही थैले में रखा हुआ था ना, तो इसलिए मैं इसको छानती हूँ सबसे पहले, उसके बाद वॉश करना है। मेथी को मैंने छान के वॉश कर लिया है और एकदम साफ थी, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी इसमें, बस ऐसे हल्का हल्का देख के मैंने इसको धो दिया है, और थोड़ा सा ही बनाऊंगी, थोड़ा शाम को बनाऊंगी। इतना सारा धनिया अभी मैंने छाना नहीं है, तो धनिया छानना है, और आलू मेथी बनाती हूँ, तो 2 छोटे साइज़ के आलू भी मैंने निकाल लिए हैं, और आटा गूंथ लिया है मैंने, इसमें भी थोड़ा सा आटा है तो हो जाएगा। और इसमें मैंने ना खिचड़ी बनाई थी हस्बैंड के लिए, हस्बैंड को खिचड़ी बहुत पसंद है, ये वाली पानी पानी वाली खिचड़ी, पतली पतली, अभी तो ये ठंडी हो गई है, मॉर्निंग में बनाई थी, थोड़ी टिफिन में दी थी, थोड़ी बच गई है, तो इसको हम शाम को गरम करके खाएंगे, हस्बैंड को दूंगी गरम करके, वो उनको बहुत पसंद है घी डाल के।
मेरा परसों का एक वीडियो पड़ा है एडिट करने के लिए, वो भी मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी मुझे को एडिट करके अपलोडिंग पे लगाना है। तो फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद ये वाला काम करती हूँ। वैसे व्लॉग्स तो मैं बना लेती हूँ लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता। कल हम लोग दिन भर वहीं थे और वैसे भी कल संडे था, हस्बैंड का ऑफ था। मॉर्निंग में हम बहुत लेट उठे थे, 10:30 बजे हम लोग सो के उठे हैं, और उसके बाद खाना वाना खा के सारे काम करके 1 बजे तक हम लोग भैया भाभी लोगों के घर गए, और वहां पहुंचने में मैक्सिमम 50 मिनट्स लगते हैं। तो 50 मिनट्स आने के, 50 मिनट्स जाने के, तो करीबन 2 घंटे तो हमें ऐसे लग गए। और फिर वहां भी हम 3-4 घंटे रुके हैं, फिर वहां से आए काफी ज्यादा टायर्ड हो गए थे, इसलिए मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया कल, यूट्यूब का कोई काम नहीं किया, और आज मुझे सारे पेंडिंग काम करने हैं। तो सुबह से भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, सुबह से घर के काम इतने सारे हो गए थे, कपड़े बहुत सारे थे वॉश करने के लिए, क्योंकि कल कपड़े हम वॉश नहीं कर पाए थे, तो बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे। डोरमैट वगैरह मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि दीपावली के टाइम पे आई थिंक मैंने डोरमैट वॉश नहीं किए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, तो डोरमैट मैंने अभी वॉश किए हैं। और आज धूप अच्छी आई है, परसों बारिश वाला वेदर हो रहा था ना, तो 2 दिन बड़ी ठंड हुई, लेकिन आज थोड़ी सी धूप है तो वेदर अच्छा है। मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश किए थे तो बाल अभी गीले हैं, और अभी मैंने कैप लगा ली क्योंकि बाल बनाने का टाइम नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये कैप पहन ली है और हल्के से बाल गीले हैं। और जब से मैं ममा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना, उससे मेरे हेयर फॉल थोड़ा सा कम हो गया है, और मतलब कम हो गया है थोड़ा सा, उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बाल तो थोड़े बहुत गिरते ही हैं, उतना तो कॉमन है, लेकिन पहले से थोड़ा सा इफेक्ट लगा है मुझे। और मैं 2-3 महीने से कंटिन्यू इसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब मैं पिथौरागढ़ गई थी तब मुझे वहाँ ऑयल तो लेके गई थी लेकिन अप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाया था। यहाँ पे आके मैंने 2 बार हेयर मसाज करी है ऑयल से और थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। और बस लंच वगैरह हो गया है, लंच करने के बाद किचन एकदम से फैल जाती है, चाहे 2 रोटी बनाओ चाहे 4 लोगों के लिए खाना बनाओ, किचन तो फैलनी ही होती है, तो इसलिए किचन थोड़ी सी समेट लूँगी और जो सब्जियाँ मैंने वॉश करी थी वो अरेंज करके रखूँगी। और इसके अलावा जो सब्ज़ी बची है, आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो इसको भी मैं डब्बे में कर दूँगी और कढ़ाई वॉश कर लूँगी। और इसके अलावा ये हरा धनिया जो भाभी ने दिया था उसको भी मैंने छान लिया है, और एकदम साफ़ सुथरा था, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी, ज़्यादा ख़राब पत्तियाँ भी नहीं थी, एकदम फ्रेश है, तो इसको और लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए मैंने छान के इसको कंटेनर में रख दूँगी, और एयरटाइट कंटेनर है ये, तो इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, और करीबन 5 से 6 दिन तक ये धनिया एकदम फ्रेश रहता है। अभी कार के अंदर से इतना सारा सामान लेके आई हूँ मैं, सैनिटाइज़र की बोतल जो हम फुल बोतल लेके गए थे यहाँ से, और ये खाली हो चुकी है। एक पानी की बोतल कार में रह गई थी, उसके अलावा एक मेडिसिन है मेरी और पेन ड्राइव, इसमें मैंने सारे सॉन्ग्स डाउनलोड करके रखे थे तो वो इसी में रह गई थी कार में, वो मैंने अभी निकाली है, कुछ और सॉन्ग्स डालने हैं इसमें मुझे इसीलिए। और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने किचन के लिए परचेज की है, और काफ़ी टाइम से उसकी ज़रूरत हो रही थी मुझे लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि दीपावली के टाइम पे वैसे मैंने सोचा था कि मैं लूंगी, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा ना, शॉपिंग बहुत सारी हो गई और घर जाने का प्लान भी बन गया, तो इसलिए वो चीज़ मैंने कैंसिल कर दी, और वहां से आने के बाद मैंने मंगाई है। तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये है वो प्यारी सी चीज़ जो मैंने अपने किचन के लिए मंगाई है, तो देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, विनोद का स्टीमर मंगाया है मैंने, और विनोद का ये दूसरा प्रोडक्ट है जो मैंने अपने घर पे अपने लिए मंगाया है। इससे पहले विनोद की कढ़ाई जो मैं यूज़ करती हूँ
वो मेरे पास है और बहुत अच्छी चल रही है, और विनोद के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कढ़ाई इसके सारे रिव्यूज वगैरह मैंने पढ़े थे, उसके बाद ही मैंने परचेज की थी, और मैं इसको 1 साल से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आपने कढ़ाई कहाँ से ली है। तो अमेजोन से मैंने परचेज की थी लास्ट ईयर, और 1 साल होने वाला है इस कढ़ाई को, होने वाला नहीं है, 1 साल हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में ही मैंने ली थी, दीपावली के टाइम पे। और स्टीमर का भी मैंने सोचा था दिवाली में लूंगी, लेकिन दिवाली में नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने अभी लिया है। तो चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। और ये परसों आ गया था, आज मैं इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि अलग से रखा हुआ था सेपरेट करके, फिर इसको सैनिटाइज किया है बॉक्स को, उसके बाद मैं अभी खोल रही हूँ। वैसे मैंने पहले खोल के रख लिया था सुबह ही, और आपको दिखाने के लिए मैं एक बार और खोल के दिखाती हूँ। तो ये इसका लिड है, ग्लास लिड, और वेट भी अच्छा है इसका, इतना मतलब लाइट वेटेड नहीं है, अच्छा सा हैवी वेट वाला इसका लीड है। 20 सेंटीमीटर का मैंने मंगाया था, और इसमें ना 3 डायमीटर्स के मिल रहे थे, एक 18 सेंटीमीटर का था शायद, एक 22 सेंटीमीटर का, और एक 20 सेंटीमीटर का। तो मुझे 20 का सही लगा, तो मैंने 20 का मंगाया है। और इस तरीके से ये है स्टीमर मेरा, और मैंने स्टीमर इसलिए मंगाया ना क्योंकि मैं मोमोज वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ, और अगर मुझे जैसे इडली वगैरह बनानी होगी तो इडली की प्लेट मैं अलग से ले लूँगी, और इसमें इडली भी बन सकती है, तो इसीलिए मैंने मोमो मेकर मंगाया है स्टीमर। इसको मैं एज अ मोमो मेकर भी यूज़ कर सकती हूँ, और इडली बनानी होगी तो प्लेट मैं उसके लिए अलग से परचेज कर लूँगी। तो ये है, ये थोड़ा सा लाइट वेटेड है, हल्का सा है ये, और स्टेनलेस स्टील का है। विनोद के बर्तन तो सारे स्टेनलेस स्टील होते हैं और अच्छे होते हैं। और ये जो स्टीमर है, बॉटम इसका काफ़ी हैवी है, ये चीज़ अच्छी है, जलेगी नहीं, पानी एकदम से जलेगा नहीं, और अच्छा लगा मुझे ये। डायमीटर काफ़ी सही है, बहुत ब्रॉड है ये, बड़ा है। मैंने सिर्फ 2 टायर्स वाला मोमो मेकर लिया है, इसके ऊपर एक ही स्टीमर है, एक ही स्टीमर है इसके ऊपर, इसके आई थिंक इसको 2 टायर्स वाला कहते हैं। इसके ऊपर एक और था, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली था, और मुझे इतने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं, और इतने ज़्यादा मोमो बनाते भी नहीं है, जितने भी बनाएंगे इसमें बनाएंगे, और 2 स्लॉट करके बना लेंगे अगर ज़्यादा बनाने होंगे, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो अभी मैंने सोचा नहीं है कि कब बनाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ बना नहीं रही हूँ मैं इस तरीके की चीज़ें, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं ज़रूर बनाऊंगी, और जब भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस मेरा, और आप लोगों को कैसा लगा मेरा स्टीमर। किसी के पास अगर हो, पहले से यूज़ कर रहे हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा होता है। तो फिलहाल तो मैं इसको रीपैक करने वाली हूँ, क्योंकि अभी इसका यूज़ करके मतलब इसको खोल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पैक करके रख दूंगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको ओपन करके, बॉक्स यही रहेगा, बॉक्स को मैं थ्रो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है रखने के लिए, और इस तरीके से ओपन करके रखूंगी ना तो बर्तन ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं डब्बे में ही रखूंगी, जब ज़रूरत होगी तब निकाल लूंगी। पे 24 मंथ्स की वारंटी भी दी हुई है, अगर कोई डिफेक्ट वगैरह होता है, कुछ खराबी आती है, तो ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है साथ में। और इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रही हूँ, चाय बनाते हैं और उसके बाद करते हैं डिनर की तैयारी। तो 2 दिन से व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए आज को एंड करते हैं व्लॉग, नया स्टार्ट मैं करूँगी अभी या फिर कल मॉर्निंग से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, जो लोग चैनल पर रह आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलती है मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।